गोंडा जिले में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में भर्ती बुखार पीड़ित युवक की इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। वहीं 5 लोग डेंगू की चपेट में आ गए। ऐसे में जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 112 पहुंच गई है। सीएमओ कार्यालय के कंट्रोल रूम से डेंगू संक्रमितों की निगरानी की जा रही। वहीं मेडिकल कॉलेज में फिजिशियन डॉक्टर राकेश तिवारी ने बताया कि बदलते मौसम के कारण वायरल बुखार, डेंगू और टाइफाइड के मरीजों की संख्या बढ़ी है और ओपीडी में आने वाले 70% मरीज बुखार से पीड़ित है। हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों खास पर सपा मुखिया पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, इसलिए बहराइच में दंगा कराया गया। उपचुनाव को लेकर बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। बीजेपी बहराइच में जानबूझकर दंगा करवा रही। बीजेपी किसी को न्याय नहीं दे सकती। बहराइच हिंसा में लोगों को कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। वही केशव मौर्य ने बहराइच हिंसा पर लगातार विपक्ष के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इनके शासनकाल में एक भी दिन प्रदेश दंगा मुक्त नहीं पाया गया था। भाजपा सरकार में दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई तय है। कोई भी अराजकता फैलाएगा उसके ऊपर विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुंडों, माफिया, अपराधियों पर कार्रवाई से सपा मुखिया को कष्ट होता है। अखिलेश यादव माफिया और गुंडों के सरगना है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सपा का साथ छोड़ देंगे उसी दिन सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और माफियाओं की पार्टी, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मैंने कहा गुंडों और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो विचलित कौन होता है, श्री अखिलेश यादव जी होते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी विचलित होते हैं तो स्वाभाविक गुंडों की पार्टी कौन है, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे। एक सवाल और है सर, अखिलेश यादव, अभी आपने चूंकि सदस्यता अभियान की बात की, उन्होंने आज सदस्यता अभियान पर भी कहा है कि भाजपा जो है सदस्यता अभियान नहीं, जमीन पर कब्जे अधिक करने का अभियान चला रही है, आरोप है अखिलेश यादव का। श्री अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका हूँ, गुंडे, अपराधी, माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गुलावटी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी में सिलेंडर में अचानक आग लगने के बाद ब्लास्ट में एक दो मंजिला मकान जमींदोज हो गया। एक इस हादसे में जब्त तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, बचाव में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि मकान में करीब 15 लोग रह रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए हादसे पर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। और मॉर्निंग बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।